सारी जिंदगी पेरेंट्स बेटी के लिए तरसते रहेंगे और बेटी पेरेंट्स के लिए। ये क्या फायदा ऐसे गुस्से का, ऐसी जिद का, जिसमें सबसे ज्यादा तकलीफ तुमको ही हो। पापा, काव्या इज राइट। जैसी भी हुई हो, शादी हो चुकी है। अब शादी को ना एक्सेप्ट करना, ये कोई सॉल्यूशन तो नहीं होगा ना। इसीलिए मैं पहले दिन से कह रही हूँ कि उनकी शादी करवा दो। मुझे पता था कि जिद में ये कुछ उल्टा सीधा करेंगे। अब मोहल्ले में तो थू-थू हो गई है। उन्होंने जो करना था किया, अब मैं वो करूंगा जो मुझे करना है। उन दोनों ने अपना फैसला नहीं बदला तो मैं भी अपना फैसला नहीं बदलूंगा।